मैंने कहा कंचना करावे क्या कहो कराया कराओगे सो या चुप सारी कितनी बार कह दिया कि चलिए इलाज करवाते सारे जाता नहीं है कहता देखो बनाता आ जवाब जवाब तो करावे पड़ी फिर अच्छा जा लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बोलो कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे से बैठनी है और ये तुम्हारी सारी पार्टी है सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो जो मैंने कहा सुना ना ये पूरी जायदाद आपके नाम लिख हाँ ये सारी जायदाद और अपने सील फैक्ट्री मेरे नाम लिख दो आप कैसी बात कर रहे हो अरे जब आपके नाम मैं खुद हूं तो ये पूरी जायदाद क्या हंसी आती है तुम्हारी बात है हम तेरे प्यार का अधूरा समझते हैं कब तक कि जब तक अपनी जायदाद सील फैक्ट्री नहीं लिख दोगे अच्छा हाँ तुम जैसे मोहब्बत नहीं करती हो और जब लिख लोगे ना तो हम समझेंगे कि तुम निहायत मोहब्बत करती हो प्यार करती हो यानी पूरी जायदाद आपके नाम लिख दूं हाँ हाँ तभी आप समझोगे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ कि नहीं करती बिल्कुल सही चलो ठीक है लाइए कहा सवाल ऐसे है पकड़ो मैं लिखना बताऊं सिर्फ होता ही लिखना ठीक है बोलो मैं की कंचना देवी मैं की कंचना देवी अपने होशो हवास में अपने होशो हवास में यही अपनी स्टील फैक्ट्री अपनी स्टेट फैक्ट्री और अपनी सारी बाबू रंजीत सिंह का नाम करती हूँ इससे मेरा कोई वास्ता नहीं होगा इससे मेरा कोई वास्ता अपनी दस्तखत बना दो ठीक है आप तो खुश हो बहुत खुश हो निहायत खुश हो अच्छा हाँ कंचना बोलिए तुम्हारे धन दौलत का मैं मालिक बन गया हाँ तो देखो मैं यही तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तुम अपने पति के लिए और अपने बेटे के लिए नहीं हुई तो क्या मेरे लिए हो सकती है किसी दिन मौका मिलने पर तुम मुझे भी जान से मार सकते हो जो अपने पति को अपने बेटे को मरवा सकती हो अरे मैं आपको कैसे मार सकती हूँ दोस्तों आप ही लोग बताएं जब अपने पति को मरवा दिया अपने बेटे को मरवा दिए देना चाहा तो क्या मेरे लिए हो सकती है नहीं हो सकती सच्चा ही नहीं सुनो मेरे बात मेरे साथ धोखा किया अरे मैं अगर जानती तो इतना नीच मिटा सकता है तो मैं तुझसे प्यार करने की कभी न करती बहुत नीच हो हमारे के पहले हम तुझे एक बात बताना चाहेंगे कि मैं तेरे इंडिया का रहने वाला नहीं हूँ
रास्ते से आया हूं। एक ही बात मैं टीवी देख रहा था, उसमें देखा कि इंडिया सोने की चिड़िया है, वही मैं देखने के लिए आया। लेकिन जब यहां पर आया तो मुझे लालच बस गई तेरे थर, इसलिए मैंने तुझसे झूठा नाटक किया, झूठा प्यार किया। अब हम तुझे जान से मार करके हम अपने मुल्क को चले जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मैं आपसे ना ना ना, मेरे लिए समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलाने जा रहा था और ललिता को जान से मारने जा रहा था, कहां से आया आपने तू? बताओ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह का पहर है। मैं भाई साहब आपके इंडिया का रहने वाला नहीं हूँ। कहां का रहने वाला है तू? मैं इंग्लैंड से आया हूँ। इंग्लैंड से? अरे तुम्हारा धन दौलत देख कर के मुझे लालच बस गई, इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया भाई साहब। मैंने सोचा, सोच कर यही आया कि जब ये मेरा हो जाएगा तो हम इसे हम अपने मुल्क चले जाएंगे। अब झूठ नहीं बोलेंगे, अब लिखो पहले वो का क्या लिखा जो? हाँ भाई साहब दे रहा हूँ। तो तू इंग्लैंड से आया है, क्या सुना था तूने? यही सुना था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, वही देखने के लिए आया था। हराम चौधरी, तूने सही सुना था, ये हमारा भारत देश पहले भी सोने की चिड़िया था, अब भी है और सदा रहेगा। तुम जैसे गोरे सालों को तो जितना भी जूता मारो उतना कम है तेरी। मेरी भारत माँ को लूटने आया था हराम जादे। भाई साहब मुझे छोड़ दो, मैं अपने मुझे चला जाऊंगा, अभी आ जाएगा कभी जाऊंगा। ये बताओ मैं, तू अकेला आया था कि तेरे साथ में और कोई आई थी? और तेरे घर में और कोई है? मेरे साथ मेरी बहन थी, मेरी ये बहन थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, वो इसलिए कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली। आपने हत्या कर ली? मर गई, कोई नहीं, सिर्फ अकेला। यानी तू अकेला है, तेरी बहन मर गई? हाँ भाई साहब। तेरा कारनामा देखकर मर गई होगी। जिसका नाम गीता था। तेरी बहन का नाम गीता था? हाँ। तेरी बहन मरी नहीं है? क्या बात करते हैं आप, तू अपनी बहन से मिलना चाहेगा? अरे कैसे मिलूंगा जब मेरे सामने अपनी आत्महत्या कर ली तो कहां से मिल सकती है? तेरे सामने आपने हत्या की थी ना, लेकिन वो मरी नहीं है, भगवान की कृपा से वो जिंदा है। मिलेगा अपनी बहन से? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ,
अगर हमारी बहन दुनिया में जिंदा है तो एक बार अगली बार तुमसे गिला दो मैं आम पैसा जिंदगी भर कब गीता बहू अपनी गलती का प्रायश्चित अपने समक्कार भाई से मिलो बहन गीता कोई नहीं है जो गलती मैंने की है बहन उस गलती के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ एक बार मेरी गलती को माफ कर दे मैं तेरा पर छू बहन कहते हैं शर्म नहीं आई कौन सी बहन बहन कहने के काबिल हो तो अरे नारायण मैं क्या बताऊं कि तुमको मैं ये सोच रही हूं कि तुरंत अगर कोई गोली मार दी तो बहुत अच्छा होगा मैं तुमको देखा नहीं चाहता तुम बहन हो कैसा भाई कहने में भी मुझे शर्म लग रही है तुम धरती के बोझ हो तुम्हारे जैसे भाई अगर पैदा हो जाएगी तो जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है ना कोई बहन अपने भाई कलाई में रखी बांधे की बस भैया जितनी जल्दी हो सके इसको हरा फूर गोली मारो नहीं 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 तुम ऐसा नहीं करोगे रंजीत सिंह मरने से पहले मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ खुशखबरी और खुशखबरी यह है कि मैं तेरी बहन गीता से प्यार करता हूँ समझ में आया समझिए अब उसकी फिक्र तू छोड़ दे और इस दुनिया से अलविदा मोल भैया तेरा मतलब मार दो साले को गोली यहां गोविंद तो वे भाई अपना हाथ आगे बढ़ाओ बढ़ते बढ़ते मैं अपने बहन का हाथ तेरे हाथ में देता हूं लेकिन लेकिन जैसा मैंने किया है बहुत बड़ी गद्दारी की है मेरी बहन अब तुम्हारे साथ में रहेगी मेरी बहन को तो कोई तकलीफ मत देना माँ समाप्त की जाती है माँ अरे माँ आओ आओ ना माँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी के लिए आप इतना परेशान थी आप कह रही थी कि मुझे कोई चीज से मतलब नहीं खाली मुझे दौलत से प्यार है वो प्रॉपर्टी तो आपको मिल गई ना माँ और सारी जिंदगी हम दोनों भाई बहन आपकी जिंदगी में दखलंदाजी करते रहे बस आखिरी बार मत आपको अपनी शक्ल दिखाने आए हैं और सबसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं मां जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए मां आज के बाद मैं अपनी दीदी को लेकर इतनी दूर चला जाऊंगा
दूर चला जाऊंगा मैं, कि कभी मैं अपनी बहन को लेकर आपके सामने नहीं आऊंगा। बस एक बात, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और मेरी गलती को माफ कर दीजिए। रोइए मत, आप रो क्यों रही? मुझ पापी से गलती मान रहा है। नहीं माँ, आप पापी नहीं है। माफी तो मुझे मांगना चाहिए क्योंकि जीवन में तुम दोनों को तुम के सिवाय मैंने कुछ नहीं दिया है। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ, नहीं 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 माँ, कि हर सके तो मेरी गलती क्षमा कर। नहीं माँ, आपने मुझे भले ही नहीं जन्म दिया है लेकिन कम से कम हम दोनों भाई बहन को पाल पोस कर बड़ा तो किया है। आप मेरी माँ है और मैं कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। माँ का हाथ अपने बच्चों के लिए सदा आशीर्वाद देने के लिए उठता है। नहीं माँ, मैंने आपसे कभी खफा नहीं था। देखने वाले भाई सोच रहे हैं कि इस औरत ने पूरी रात कितना अत्याचार किया, लेकिन इससे इसके बच्चे इससे कुछ कह नहीं रहे हैं। कैसे कहेंगे भाई? कहा गया है कि माँ माँ होती है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। बाबू चाहे हो माँ सवाल ही क्यों ना हो, माँ के बराबर भगवान भी नहीं है। लेकिन माँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपकी कोई सगी बेटी होती जिससे आपने जन्म दिया होता तो क्या उसके साथ भी शुरू करती? मैं इसी का जवाब मुझे दे दो बस। अरे बड़ों का हाथ जब उठता है कभी तो आशीर्वाद के लिए उठता है, माँ माफी के लिए नहीं।
बाप ने और भैया ने चाहे जो स्कूल अच्छी माँ को माफ कर दिया हो, लेकिन इससे मुझे खुद के आंसू रुलाए है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू ये क्या कर रहा है भाई? अरे किसे मारने जा रहा है तू? किसे मारने जा रहा है? जिसने तुझे पैदा किया। अरे करीब तेरा नाता है वो। नौ महीना अपने कोख में रखी थी, कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई इतनी बात अगर हमारी समझ तुम्हारी समझ में आ गई हो तो सीधे माँ के पाँव पकड़ो और उससे गलती मानो कि माँ मुझसे गलती हो गई। इन्हें बेटी कहा जाता है, जिस बेटी की आपने जब उसे कोई कदर नहीं की वही बेटी ये ममता की मूर्त नहीं बहन आज तुम्हारे लिए इस तरीके से आ रही है। ये तेरा बेटा ये तेरी बेटी पराए हैं, इन्होंने तुझे माफ कर दिया और तूने तो मुझे जन्म दिया रे। कैसे हाथ पार सकता हूँ सके मम्मी जी। ये रही हमारी संगीत, संगीत का नाम था जुर्म की कतारी, सौतेली महतारी और फटाकू तूफान सिंह। तमाशा खेलने में हम आधार कलाकारों से यदि कोई टूटिया हो गई हो
जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द मुख से निकल गया हो जो आपको ना अच्छा लगा हो, तो बाबू हम आपके बच्चे हैं, अपना ही परिवार का बच्चा समझ के हम कोई पार्टी को क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।